वेलकम फ्रेंड, नमस्कार। मैं डॉक्टर प्रदीप कुमार आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। भाइयों, सालों से काफ़ी सारे लोगों को टीबी की बीमारी हो गई है, जिससे वो काफ़ी परेशान हो गए हैं। टीबी की बीमारी को ठीक करने के लिए प्राइवेट इलाज कराते हैं और काफ़ी सारे लोग सरकारी इलाज कराते हैं, लेकिन भाइयों, किसी भी कारण से काफ़ी सारे लोगों की टीबी की बीमारी पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाती है और लंबे समय तक टीबी की बीमारी के बने रहने के कारण काफ़ी सारे लोगों की मौत भी हो जाती है। तो भाइयों, आज मैं आपको टीबी की बीमारी को ठीक करने का सही इलाज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहा हूँ। तो भाइयों, इस वीडियो को आगे ज़रूर शेयर करें। तो भाइयों, जिन महिलाओं या पुरुषों को डॉक्टरों ने जाँचों में टीबी की बीमारी घोषित की है और उनकी उम्र 18 साल से ऊपर है, तो उन सभी लोगों को मरीज दवा का प्रयोग करना है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो भाइयों, जिन लोगों को डॉक्टरों ने जांचों में टीबी की बीमारी घोषित की है, तो उनको सबसे पहले गोली को लेना होता है, जिसका नाम है एक्यूरेट 4। इस गोली को आपको सुबह नाश्ता करने के आधा घंटे बाद दो गोली को एक साथ पानी से खाना होता है और लगातार खाते रहना होता है, बंद नहीं करना है इस गोली को, और इस गोली का किसी भी प्रकार का गैप आपको नहीं करना है। फिर भाइयों, आपको एक पाउडर को लेना होता है जिसका नाम है फैटिन। इस पाउडर को आपको रात को सोते समय खाना खाने के बाद एक गिलास दूध को गर्म करना है, उसको ठंडा करना है, और उस दूध में आपको इस पाउडर की 1 से 2 चम्मच को डालकर घोल कर आपको रात को पीना है, और ये काम भी आपको लगातार करते रहना है, बंद नहीं करना है। तो भाइयों, इन दोनों दवाइयों का प्रयोग आपको एक साथ लगातार बिना गैप के 9 महीने तक करना होता है। और भाइयों, 9 महीने बाद जिन जांचों में आपको टीबी की बीमारी आई है, उन जांचों को आपको दोबारा से कराना है। अगर वो जांचें आपकी ठीक आती हैं, तो भाइयों, आपको इन दवाइयों का प्रयोग नहीं करना है, इन दवाइयों को पूरी तरह से बंद करें। अगर थोड़ी बहुत परेशानी आपकी जाँचों में आती है, तो भाइयों, आप इन दवाइयों को आगे 3 महीने और खा सकते हैं। भाइयों, टीबी की बीमारी में मरीज को बुखार आता है और शरीर में दर्द होता है, तो उनको एक गोली को लेना होता है जिसका नाम है डोलो। ये 500 mg में आती है। इस गोली को आप एक गोली सुबह, एक गोली दोपहर को और एक गोली शाम या 4 घंटे के अंतर से पानी से खा सकते हैं। जब आपका बुखार और शरीर का दर्द पूरी तरह से ठीक हो जाए, तो आप इस गोली को पूरी तरह से बंद कर दें। भाइयों, जिन लोगों को टीबी की बीमारी हो गई है, तो उनको परहेज ज़्यादा करना है, जब उनको पूरा फायदा मिलेगा। फ्रिज का पानी, कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम और चाय को पूरी तरह से बंद करें। शराब, दारू, अल्कोहल को पूरी तरह से बंद करें। सिगरेट और सभी प्रकार की स्मोकिंग को पूरी तरह से बंद करें। तम्बाकू को ना खाएं। पानी को गर्म करके, ठंडा करके उसे छान कर पिया करें। तो भाइयों, परहेज करें, मेरी दवा का प्रयोग करें, आपको पूरा फायदा मिल जाएगा। भाई, जो मैंने आपको इस वीडियो में दवा दिखाई है, आपको उसी नाम की दवा लेना है, किसी और कंपनी की आप दवा ना लें, अन्यथा आपको आराम नहीं मिलेगा। भाइयों, अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं, तो भाइयों मुझसे कमेंट करें, मैं आपके हर कमेंट का जवाब जरूर दूंगा। नमस्कार भाई।